कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजीव गुलेरिया ने सांसद रामस्वरूप शर्मा पर मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संजीव ने कहा कि सत्ता हटाने के लिए 5 साल पहले सांसद रामस्वरूप शर्मा ने झूठे वायदे कर मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में सांसद ने दिल्ली में जाकर मंडी के हितों की कोई पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा 16 लाइन हाईवे की बात करती है, जबकि प्रदेश में अभी तक एक भी हाईवे नहीं बन पाया है। प्रदेश सचिव ने कहा कि सांसद ने सत्ता में आने के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुदामा तक बताया था, मगर जीतने के बाद दिल्ली में सांसद ने मंडी के हित की कोई बात नहीं की। संजीव गुलेरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करते हुए कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में लंगड़े घोड़े पर दाव ना डालें, वरना मंडी से मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इस मौके पर संजीव गुलेरी ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमले बोले। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो हमारे यहाँ से चुन के माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी 5 साल पहले पार्लियामेंट में गए थे, हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता के कुछ सवाल माननीय सांसद महोदय से हैं कि उनकी इन 5 सालों की कारगुजारी क्या रही, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े प्रलोभन देकर दिल्ली गए थे, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को बहुत कुछ कहा गया था, उनको द्वारा ये भी कहा गया था कि मैं माननीय मोदी जी का सुदामा हूँ, और इस तरह से वो यहाँ से जीत कर सांसद पहुँचे। उन्होंने कहा था कि हमारा जो द्रंग साल्ट है ये हम पाकिस्तान में बेचेंगे, लिक्विड साल्ट बनाएंगे, और एक चलते हुए पानी का उद्घाटन इनॉग्रेशन की। तो हम माननीय सांसद जी से ये पूछना चाहते हैं कि उस द्रंग साल्ट का क्या हुआ, आज तक कितना नमक पाकिस्तान में बिका, 69 हाईवेज की घोषणा इन्होंने की, वो 69 हाईवेज आज कहाँ खड़े हैं, धरातल पे कहाँ है, और माननीय सांसद महोदय की इन 5 सालों की सबसे बड़ी नाकामी जो मेरा मानना है वो नेरचौक स्थित ESIC के द्वारा तैयार किया हुआ जो कॉलेज था वो ना चलना है। माननीय सांसद महोदय प्रधानमंत्री का सुदामा कहते हुए अगर इस अस्पताल को ESIC के द्वारा नहीं चलाया जाना उनके सांसद होते हुए, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूं इस बार उनको जनता के इन सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका गोद लिया हुआ गांव आज कहां स्थित है, कहां पे खड़ा है, उस गांव में उन्होंने क्या किया, कोई भी इन 5 सालों की उपलब्धि अगर माननीय सांसद महोदय क्षेत्र की जनता को बता दें तो हम उनके बहुत धन्यवादी होंगे कि उन्होंने एक कार्य कोई पिछले 5 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र में किया हो। और इस विषय में हमारा माननीय जयराम ठाकुर जी से भी एक निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इस बार लंगड़े घोड़े पे दाव ना खेलें, अन्यथा सरकार की दाव साख दाव पे लगने को तैयार है मंडी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री के होते हुए।